हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 11:55, 5 मिनट हैं 12 बजने में, और आज बगल वाली भाभी की एनिवर्सरी है तो उनका केक यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं फटाफट से केक लेके उनके रूम में जा रही हूँ उन्हें सरप्राइज देने। और ये देखो, इसने म्याऊं म्याऊं करके ना मेरा दिमाग खराब करा हुआ है। ये कल परसों नीचे क्या गया था पूजा में, तब से इसको बस बाहर ही जाना है। ये देखो क्या हो गया, क्या हुआ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? क्या करूं? बोलता खोलो। तो गाइस, मैंने केक ले लिया है। खोलो 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 भाई। हाँ सर। क्या है, लाइक गया ना मम्मी? अरे मैं लाया हूँ केक यार, वही तो भाई बता दो इनको, मैं लेके आया ना भाभी, बता दो केक। तू भी तो केक खाने आई है। केक खाने के टाइम पे बराबर आ गया ना? नहीं, आ रहा गाना गाना है। हम लोग ने आपको याद किया था ना? हाँ, इसने आज दांत साफ नहीं किए हैं तो मुंह छुपा रही है, पता नहीं क्यों। अरे कर लिया करना, दांत साफ क्यों नहीं करती है? मुझे ने क्या बोला? अभी वो दोनों दिन नहीं आने वाले। जो जो मुंह छुपाएगा उसने दांत साफ नहीं किए हुए। अरे ये भाभी तुम भी इधर दिखा बेबी के दांत। एनिवर्सरी किसकी? कौन सी मम्मी की? बड़ी मम्मी की। और बड़े पापा की भी है ना? क्या होती है एनिवर्सरी? क्या होती है एनिवर्सरी? एनिवर्सरी होती क्या है? बोल दो, जब सब डांस साफ करते हैं एनिवर्सरी होता है। सबसे बर्बादी का दिन वही रहता है। ये देखो भाई, ये कौन सोया हुआ है? गिलास लेके, गिलास मुंह पे लगा के सोया। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। कितने साल कम हो गए? बस एक ही साल, पहली एनिवर्सरी है। भाभी कौन सी एनिवर्सरी? 18वीं? अरे बाबा, ये देखो, इसको देखो, ये पहले पिंक चड्डी में। भैया पास आ जाओ, अपनी है भाभी, पड़ोस की नहीं है, अपनी नहीं है। ये देखो बेबी, केक अच्छा है? हाँ, बेबी ने पास कर दिया, मतलब अच्छा है। देखो भाभियों का प्यार, वीडियो बना रही हूँ मैं, वीडियो। भैया क्या खिला रहे हैं? मोमबत्ती। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मैं खाऊंगी केक। खिलाओ इसको, खिलाओ खिलाओ। अरे यार, तुझे कहाँ जाना है? ये देखो, ये इनके बेडरूम में घुस रही। अरे तेरी तो, चल 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 चल, बताओ अभी। सुनाओ, शादी के इतने साल कैसे गुजरे भैया के साथ, बताओ। भैया का इंटरव्यू ले तू तो। नहीं, मैं पहले आपका लूंगी, भैया तो उल्टा ही बोलेंगे कुछ। बताओ आपकी शादी के साल कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे, बुरे तो नहीं थे। अच्छे थे ना? अच्छे। भैया के साथ भैया अच्छे थे, इसलिए अच्छे गुजर गए। अच्छे थे, फैमिली के साथ अच्छे थे, बच्चों के साथ अच्छे थे।
हाँ तेरे साथ तो बहुत ही अच्छे थे। ये तो मेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है लाइफ की, ये तो लाइफ का सबसे अनमोल है। भैया शादी के 18 साल कैसे गुजरे? हमारी इतनी अच्छी भाभी मिली आपको, आप तो कुछ बोल भी नहीं सकते भाभी के खिलाफ। मैंने कहा भाभी इतनी अच्छी है तो अच्छे गुजरे होंगे, है ना? ओए बेब, ये भगवान, ओए लड़की पूरी अरब की बहन है मीठा खाने में, पूरी बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ नीचे, देख देख डॉक्टर बोलेगा तेरा दांत निकालेगा। क्या मतलब तुझे अपने घर में चैन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता तुझे, क्या चाहिए? सब जगह की इंक्वायरी रखता है, चलो नो क्या मालूम आंटी को देख रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, देखो सुबह सुबह एक तो स्नो ने दिमाग खराब कर रखा, और एक ये तो यही पूछती रहती है ये क्या है और वो क्या, टॉफी है। हाँ क्या चाहिए? हाँ तेरे को क्या चाहिए? इसका हेयर स्टाइल बना के देना, चल आ जा। भाभी गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है इधर? ओ भाभी गुड मॉर्निंग, आज क्या बनेगा? आज तो भाई कुछ नहीं, भिंडी की सब्जी है। मुझे नहीं पता, मुझे खाने को दे देना जो भी बनाओगे। हाँ क्या गूंज है भाभी के। हेलो भाभी प्रणाम। गाइस ये भाभी से बड़ी वाली भाभी है। आजो पार्टी लेने, पार्टी लेने आजो, पार्टी लेने जहाँ ले जाए भाभी, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो घर की दाल भी खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो बननी मस्त मस्त दाल, इसमें क्या बनाया? टिंडर बना रही है। आ रही हूँ बनवा के। ए बेबी क्या है? टॉफी। कहाँ है टॉफी? है ढूंढ लेती है ना अपने खाने पीने का सामान तू कहीं से भी। कौन लाया ये? कौन लाया? कौन लाया? फिर आई हुई है, थैंक यू तो बोलो नी। किधर से लाए? सिक्किम से। ओ ओ खुद से बैठो। देखो बेबी जा रही है एडमिशन के लिए। गुड गर्ल। पहनो पहनो अच्छे से पहनो। भाभी पहली बार देख रही हूँ कोई बच्चा इतना खुश हो गया एडमिशन के लिए जा रहा है। ये वाले पैर में डालो। मैं तो मेरा जब एडमिशन था मैं छुप गई थी, पड़ोसी के घर में छुप गई थी मैं। बेबी कहाँ जा रही है? हाय हाय स्कूल। क्या पढ़ेगी स्कूल में? पढ़ा के आएगी भाभी सबको। ये क्या है? हाँ ये क्यों है? हाँ बाय बेबी, बाय। तेरे को बड़ी जल्दी, तेरे को बड़ी जल्दी। स्नो भी जाएगी, वो भी स्कूल जाएगी ना स्नोई। टीचर को अच्छे से पढ़ा के आना ठीक है? हाँ अरे रे मिट्टी का अचार क्या गाँव से मंगवाया था क्या? मैंने तो आज भाई बेबी का एडमिशन करा के आई। भाभी भाभी कैसा लगा? अच्छा लगा। है बेबी को कैसा लगा? बेबी को बोला व्हाट इज योर नेम, बोलते माय नेम इज दापुड़ी। माय नेम इज दापुड़ी। तो गाइस यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, शाम की पूजा निपट गई है। और ये देखो आप कितने आराम से सो रहा है, मतलब कोई इसको चिंता ही नहीं है दीन दुनिया की, बस खाएगा और सोएगा, खाएगा और सोएगा, सोता ही रहता है। कौन रो रहा है? क्यों क्यों सुई रखी है ना, इंजेक्शन रखा ना, इंजेक्शन रखा है अभी, आंखें खराब हो जाएंगी। ए रोने से नहीं मिलेगा फोन ठीक है? हाँ हाँ देखो देखो गाइस रोती रहे नहीं मिलेगा, ये याद आना नहीं है, फोन वाला याद आना नहीं है। हाँ रोती रहे और रो और रो, ज्यादा प्यार कर करके लाड़ कर करके सर पे चढ़ रही है, मारूंगी पकड़ कर। भाभी का पढ़ने का टाइम हो चुका है, अभी ए फॉर एप्पल पढ़ेंगी भाभी। भाभी मत देना इसको फोन, कितना ही रोए इसको देना ही मत फोन बिल्कुल। हाँ आंखें खराब हो जाएंगी, अभी से चश्मा लग जाएगा, बताओ अभी
लो कॉपी पेन लाओ, एबीसीडी पढ़ेगी। जाओ कॉपी पेन लेके आओ, मैं एबीसीडी पढ़ाऊंगी। चलो चलो, हाँ जाओ लेके आओ, मैं लिखवाऊंगी। जाओ जाओ मेरा बच्चा, लाओ लाओ बैग लेके आओ। मम्मी बैग दे रही है, जाओ जाओ बैग लेके आओ। जल्दी बताओ, ये बेबी की बुक्स हैं गाइस, ये मैंने निकाल दी हैं। बेबी कौन सा वाला पढ़ना है? हाँ कौन सा वाला पढ़ना है? कुछ और ही है, देख ये क्या है? किसका मोबाइल है? इससे फोन होता है? करना जरा किसको करना है। तो गाइस उस दिन ये बोल रही थी ना, मेरे घर पे पैरेट है, ये वाला पैरेट है इसके पास। किसका पैरेट है ये? मेरा।